नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है। पीएम मोदी ने इस भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। ये मंदिर 27 एकड़ में बना हुआ है। इसके लिए जमीन यूएई सरकार ने तोहफे में दी थी। आज जो मंदिर बनकर तैयार हुआ है उसकी कल्पना 27 साल पहले हुई थी। अबू धाबी में बने इस मंदिर की खास बात यह है कि इसके निर्माण कार्य में सभी धर्मों से जुड़े लोगों का योगदान रहा है। पंचमी का मौका और विदेशी धरती पर यह भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन। आज का दिन यूएई और भारत की दोस्ती के लिए बेहद खास है। और आज मैं चंद घंटों की मेरी यहां की मुलाकात के बाद कह सकता हूं कि भारत अबू धाबी, दुबई, अमीरात जो विश्वास का सेतु बना है वो अभूतपूर्व है और आने वाली पीढ़ियों तक काम आए ऐसा फाउंडेशन तैयार हुआ। दुबई अबू धाबी शेख जायद हाईवे पर अल रहबा के पास बने इस मंदिर का नाम 50 नवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी BAPS हिंदू मंदिर है। BAPS एक ऐसी संस्था है जिसने दुनिया भर में 1100 से ज्यादा हिंदू मंदिरों का निर्माण किया है। आज प्रमुख स्वामी जिस दिव्य लोक में होंगे उनकी आत्मा जहां होगी वहां प्रसन्नता का अनुभव कर रही होगी। इस मंदिर को धार्मिक संस्था BAPS ने बनवाया है। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जब अबू धाबी गए थे तब उन्होंने इसकी गुजारिश की थी। फिर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इसके लिए 27 एकड़ जमीन दान कर दी थी। ये मंदिर 20,000 वर्ग मीटर जमीन पर बना है। प्रधानमंत्री मोदी 2018 में इस मंदिर के शिला पूजन के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। भारतीय शास्त्रों ने बताया प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल पहले जताए गए भरोसे पर यह भव्य निर्माण मुहर लगा रहा है। बता रहा है कि शेखों के देश में अब शंख भी गूंजेगा। मंदिर का स्वप्न साकार करने में अगर सबसे बड़ा सहयोग किसी का है तो मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का है। मुझे पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएई की पूरी गवर्नमेंट ने कितने बड़े दिल से करोड़ों भारतवासियों की इच्छा को पूरा किया है और इन्होंने सिर्फ यहां नहीं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल को जीत लिया। गुलाबी बलुआ पत्थर से बना यह मंदिर 27 एकड़ में फैला है जिसे राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने सूरज के चमकते रहने तक पट्टे पर दिया है। यूएई में पहले से दो मंदिर हैं, लेकिन उनकी इमारत मंदिर जैसी नहीं है। इस लिहाज से अबू धाबी का ये मंदिर अपनी विशालता और भव्यता के लिहाज से बेहद खास है। देखो, ये भगवान की कृपा है और भगवान की इच्छा है और सबका सहकार है और अबू धाबी के जो राजा उसकी उदारता, हमारे प्राइम मिनिस्टर उसकी एक पहचान और मैत्री और बड़े बड़े संत के आशीर्वाद से और सबके सहकार से मंदिर बना है और सबके लिए इट्स अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन, नॉट जस्ट सेलिब्रेशन, इट्स अ डे ऑफ ग्रेटिट्यूड। पीएम मोदी ने अपने पहले यूएई दौरे पर इस मंदिर को लेकर पहली बार बताया था जिसका जिक्र उन्होंने अबू धाबी पहुंचकर भी किया। ये वसंत पंचमी ये पर्व माँ सरस्वती का पर्व है। माँ सरस्वती यानी बुद्धि और विवेक की मानवीय
प्रज्ञा और चेतना की देवी। ये मानवीय प्रज्ञा ही है जिसने हमें सहयोग, सामंजस्य, समन्वय और सौहार्द जैसे आदर्शों को जीवन में उतारने की समझ दी है। मुझे आशा है कि मंदिर भी मानवता के लिए, बेहतर भविष्य के लिए वसंत का स्वागत करेगा। अबुधाबी में बने इस मंदिर की बनावट लगभग वैसी ही है जैसे दिल्ली, गुजरात के गांधीनगर, न्यू जर्सी और दुनिया की दूसरी जगहों पर बने अक्षरधाम मंदिरों की है। लेकिन इस मंदिर में ये खास ख्याल रखा गया है कि यहाँ आने वाले यूएई और भारत की सांस्कृतिक विरासत की झलक भी एक साथ दिखे। मंदिर की इमारत में भारत से मंगवाए गए पत्थर लगाए गए हैं और इनकी नक्काशी का काम भी भारतीय कारीगरों ने ही किया है। आज ये बहुत सौभाग्य की बात है, ऐसे लग रहा है जैसे रामलला अभी अयोध्या में आए हैं वैसे हमारे स्वामी नारायण जी यहाँ यूएई में आए हैं। कई सालों से हम यहाँ पर हैं, ये हमारा घर तो वैसे बन ही चुका है। आज मंदिर आने के साथ साथ हमें ऐसे लग रहा है बस यही अपना अभी घर है, कर्म भूमि बन गई है, ये धर्म भूमि भी बनने वाली है। ये बहुत सौभाग्य की बात है और हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ की सरकार को, यूएई सरकार को बहुत बड़ा धन्यवाद। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यह मंदिर सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों और आध्यात्मिक लोकाचार का प्रतीक होगा। यह मंदिर संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से भारत और भारतीय समुदाय के प्रति उनके प्रेम, मित्रता और विश्वास की अभिव्यक्ति है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। संयुक्त अरब अमीरात के आसमान पर सनातन धर्म की पताका लहरा रही है। ये मंदिर संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय कला और संस्कृति का अनूठा केंद्र बनने जा रहा है। इस मंदिर के लिए जमीन यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने तोहफे में दी थी। पीएम मोदी ने बताया कि साल 2015 में जब उन्होंने प्रस्ताव मंदिर का रखा तो क्राउन प्रिंस नहयान तुरंत तैयार हो गए थे। स्वामी नारायण आरंभम यज्ञ पुरुष मध्यमाम धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः। इस्लामिक देश यूएई की राजधानी अबुधाबी में पश्चिम एशिया का पहला पत्थरों से बना बैप्स हिंदू मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और सनातन की सतत धारा को एक नया मुकाम दिया। अथ मंदिरोद्घाटन विधि अद्यात्र संयुक्त अरब राष्ट्रे अबुधाबी नगरे। मुस्लिम देश में बने इस मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। अबुधाबी में हमारी कल्पनाओं से सुंदर और भव्य स्वामी नारायण मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खुल गए। एक्चुअली जो हमारे गुरु है प्रमुख स्वामी महाराज, उन्होंने दरजमी पर बुत परस्ती की परंपरा को खारिज कर दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने उसी सरजमी पर पश्चिम एशिया के सबसे बड़े मंदिर का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत उद्घाटन कर नया इतिहास रच दिया। ओम श्री अक्षर पुरुषोत्तमाय भक्त मंडल सहिताय। अरब देशों में मंदिर तो पहले भी बने लेकिन सनातन धर्म के पौराणिक शिल्प और आध्यात्मिक दर्शन को अपने अंदर बखूबी समेटे हुए ये पहला मंदिर है। 1400 साल के अंतराल में अरब जगत का ये पहला मंदिर है जिसमें कंगूरे बने हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात के अबुधाबी में 27 एकड़ में बना ये अद्भुत अलौकिक मंदिर सनातन धर्म की आध्यात्मिकता और ऊर्जा से भरे साधकों की आकांक्षा और हिंदुस्तान की राजनीतिक इच्छा शक्ति के संगम की अनूठी मिसाल है। दरअसल बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के धर्मगुरु
और प्रमुख स्वामी महाराज 1997 में जब यूएई की यात्रा पर आए तो उनके मन में अरब की धरती पर सनातन परंपरा की प्राचीन और जीवंत शैली में मंदिर बनाने की प्रेरणा जगी। संत के मन में मंदिर निर्माण की प्रेरणा जगी तो उसने संकल्प का रूप ले लिया। प्रमुख स्वामी महाराज के इस पावन संकल्प के 18 साल बाद 2015 में प्रधानमंत्री मोदी यूएई के दौरे पर गए और अरब की धरती पर इस भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण का अध्याय आरंभ हो गया। यूं तो अबू धाबी में बने इस मंदिर की संरचना और डिजाइन लगभग वैसी ही है जिस तरह दिल्ली और दुनिया के दूसरे अक्षरधाम मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन मंदिर परिसर का डिजाइन तैयार करते समय ये ख्याल रखा गया कि यहाँ आने वालों को यूएई और भारत की सांस्कृतिक विरासत की झलक एक ही जगह पर दिखे। जैसे मंदिर परिसर के एक हिस्से में आपको रेगिस्तान की झलक दिखेगी तो दूसरे हिस्से में बनारस के घाट जैसा नजारा भी दिखेगा। अबू धाबी मेन सिटी से करीब 30 मिनट दूर अल वाथवा में इस मंदिर को बनाया गया है। खास बात यह है कि मंदिर के निर्माण में लोहे या उससे बनी सामग्री का इस्तेमाल नहीं हुआ है। कहते हैं हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, शीत जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से मिलकर हमारा शरीर बना है। इस मंदिर में बने डोम ऑफ हार्मनी में इन तत्वों का अद्भुत समन्वय किया गया है, लेकिन साथ ही इनके निर्माण में सनातन धर्म के प्रतीकों और परंपराओं के समावेश का भी खास ध्यान रखा गया है। सत्ताईस एकड़ में फैले इस मंदिर में एक साथ 10,000 श्रद्धालु पूजा अर्चना कर सकेंगे। इस मंदिर में श्रद्धालुओं की पुख्ता सुरक्षा के साथ हर सुविधा का ख्याल रखा गया है। आने वाले वक्त में ये भव्य मंदिर न केवल अबू धाबी में सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाएगा बल्कि ये भारत और यूएई की दोस्ती को और मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपने अबू धाबी में बने हिंदू मंदिर के अलौकिक दर्शन किए, लेकिन इस मंदिर का स्थापत्य अपने आप में अनूठा और बेमिसाल है। हम आपको दिखाएंगे कि इस मंदिर में कितनी श्रद्धा के साथ एक एक कलाकृति उकेरी गई है और कैसे शिल्पकारों ने मंदिर के मुख्य गुंबद के नीचे पत्थरों पर पंचभूत के तत्वों को सजीव कर दिया है। देखिए, अबू धाबी के इस रेगिस्तान के बीच भव्य मंदिर का अद्भुत निर्माण। इस मंदिर के निर्माण से महंत स्वामी महाराज का सपना साकार हो गया। मुस्लिम बाहुल्य देश में बने इस मंदिर के साथ ही महंत स्वामी महाराज का भी नाम बार बार सामने आया। देखने में वही राजस्थानी गुलाबी बलुआ पत्थर, वही नागर शैली, वैसी ही अनुपम कलाकारी और वैसी ही नयनाभिराम दर्शन। बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण यानी BAPS मंदिर सिर्फ एक स्वामी नारायण मंदिर नहीं बल्कि सनातन परंपरा में पूज्य आराध्यों के कई मंदिरों का एक समागम स्थल भी है। मंदिर में इमारत के बाहरी हिस्से में भी इतनी सुंदर प्रतिमाएं और कलाकृतियां उकेरी गई हैं कि उन्हें देखते ही रोम रोम खिल उठता है। स्वामी केशव जीवन दास जी के नाम से भी पहचान रखने वाले महंत स्वामी महाराज इस समय BAPS के छठे आध्यात्मिक गुरु के पद पर हैं। 1933 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में जन्मे महंत स्वामी महाराज स्नातक हैं। छात्र जीवन के दौरान ही 1951-52 में वो महंत स्वामी महाराज BAPS संस्था के ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी योगी जी महाराज के संपर्क में आए और उनके साथ यात्रा करना शुरू कर दिया। 1957 में योगी जी महाराज ने उन्हें पार्षद दीक्षा दी और उनका नाम वीनू भगत रख दिया। 1961 में गढ़दा में BAPS स्वामी नारायण मंदिर के कलश महोत्सव के दौरान योगी जी महाराज ने उनका नाम वीनू भगत से स्वामी केशव जीवन दास रखा, साथ ही उनको दादर मंदिर के महंत के रूप में नियुक्त किया। मंदिर के सात शिखरों को
अलग अलग आराध्यों के स्वरूपों को समर्पित किया गया है। इसमें भारत भूमि के उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक हर तीर्थ को समेटने की कोशिश की गई है। कुल 27 एकड़ जमीन के हिस्से में से 17 एकड़ में हुए निर्माण में मंदिर की इमारत बेहद भव्य है और ये पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा मंदिर माना जा रहा है। मंदिर की इमारत के बाहर बड़ा आकर्षण गंगा, यमुना और सरस्वती की प्रतिरूप नदियों के जल वाला हिस्सा भी है। अबुधाबी के इस मंदिर में श्रद्धालुओं को अध्यात्म के साथ आधुनिकता का ऐसा आकर्षण नजर आएगा जो यहां आने वाले लोगों को अभिभूत कर सकता है। लेकिन मंदिर जितना बाहर से खूबसूरत नजर आता है, उससे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत मंदिर के अंदर की बनावट और कलाकृतियां हैं, जो बिल्कुल सफेद संगमरमर के पत्थर से बनी हुई हैं। मंदिर के अंदर अद्भुत आकर्षण पंचभूतों का प्रतिचित्रण है, जिसमें कलाकृतियों के जरिए मानव के अनंत ब्रह्म तक समन्वय की तस्वीरें दिखाई गई हैं। मंदिर के अंदर स्तंभों पर भी अद्भुत बारीकी से काम हुआ है। हर स्तंभ अपने आप में कला, श्रद्धा, समर्पण और आस्था की तस्वीरें पेश करते स्तंभ की अनूठी मिसाल है। मंदिर निर्माण के लिए भूमि मुस्लिम प्रिंस ने दान की, कैथोलिक आर्किटेक्ट ने डिजाइन तैयार किया, सिख प्रोजेक्ट मैनेजर और इसका फाउंडेशन डिजाइनर बौद्ध है। इसके अलावा मंदिर की कंस्ट्रक्शन कंपनी एक पारसी ग्रुप है और इसके निदेशक जैन है। बाहर की तरह ही अंदर भी 7 शिखरों के नीचे के गर्भगृहों में अलग अलग आराध्यों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। अबुधाबी में इतने खूबसूरत मंदिर की इमारत किसी चमत्कार से कम नहीं है और पत्थर पर आस्था की तस्वीरें यूं ही उकेरी नहीं जा सकी हैं। इसकी जड़ में भारत की सनातन संस्कृति में कला के प्रति समर्पण का वो भाव भी झलकता है जिसमें भक्ति की बुनियाद पर आस्था की इमारत खड़ी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अबुधाबी में मंदिर बन गया है, आज पूरी दुनिया भर के हिंदू खुश हैं। यह कहना मुमकिन है कि अब मुस्लिम देश की जमीन पर ये सनातन का हस्ताक्षर है। इसी के साथ जल्द नहीं, नमस्कार।